जिन लोगों ने बलिदान दिया सबसे पहले वो तो देख भी पाए, लेकिन आज अपन ने उनके बलिदान को साकार होते हुए देखा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हम सबको ये सौगात दी। और नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से और देश में जो हमारे बीच में एक प्रकार से जो हमारा देश कमजोर होता जा रहा था उसको वापस मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो कदम वो लगातार उठाते जा रहे हैं। बहुत खुशी है कि आज 500 साल में हमारे घर पधार रहे हैं और इस प्रकार से देश में जो आज माहौल बना हुआ है ये पूरा भगवामय माहौल हो चुका है, राममय माहौल हो चुका है। माता जी आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया? आज यहाँ पर रामलला के उपलक्ष्य में हमने महाआरती रखी और प्रसाद कार्यक्रम रखा। हमें बहुत खुशी है कि आज 500 साल में राम जी हमारे घर पधारे हैं। राम जी को हमारा घर मिल गया, राम जी को मिल गया, हमको मिल गया। जय जय श्री राम। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, समस्त दुनिया में जिन आराध्य देव को पूजा जाता है ऐसे रामलला आज मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्साह का माहौल है। उसी क्रम में आज हमारे शीतला माता नवयुवक मंडल निजातपुरा द्वारा इस महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी क्षेत्र के आसपास के सारे लोग सम्मिलित हुए। साथ ही खीर की प्रसादी का वितरण और हलवे की प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। और इस प्रकार से देश में जो आज माहौल बना हुआ है ये पूरा भगवामय माहौल हो चुका है, राममय माहौल हो चुका है। मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के सभी उन कार्य सेवकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना में और उसके निर्माण में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से और देश में जो हमारे बीच में एक प्रकार से जो हमारा देश कमजोर होता जा रहा था उसको वापस मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो कदम वो लगातार उठाते जा रहे हैं, उसमें आज एक ही कदम राम मंदिर की स्थापना के साथ शुरू किया उन्होंने। और मैं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल और राम राम कहकर इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आज बड़े गौरव का दिवस है, इसी उपलक्ष्य में समस्त क्रांतिकारियों को जिनके बलिदान से देश को आज़ादी मिली, साथ ही उन सभी कार सेवकों उन बलिदानों हुए इस राम मंदिर के लिए हुए हजारों बलिदानों के माध्यम से आज हमारे रामलला अयोध्या में पुनः पधारे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हम सबको ये सौगात दी और रामलला आज अवध में पूरी तरह पूर्ण रूप से वापस विराजमान हुए। आप सभी को राम दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप और अपन सब इस दिन के साक्षी बने, अपने आप में अपन सब बहुत पुण्यशाली हैं। जिन लोगों ने बलिदान दिया सबसे पहले वो तो देख भी पाए, लेकिन आज अपन ने उनके बलिदान को साकार होते हुए देखा है। जिस चीज़ का बलिदान दिया था आज वो अपन ने राम जी को अपने घर में जाते हुए देखा है, इससे अच्छी आज कोई बड़ी बात नहीं है। जैन हिंदू धर्म की जय। अयोध्या में 500 साल बाद रामलला के विराजने की खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन भी इस खुशी से अछूती नहीं रही। यहां भी शहर के प्रमुख मंदिरों में भंडारा और आरती का आयोजन किया गया। उज्जैन के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर निजातपुरा पर भी महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया और महाप्रसाद वितरण किया गया। शाम होते ही आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद सुशील श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महाआरती में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भव्य आरती की गई। सभी के चेहरों पर रामलला के विराजने की खुशी दिखाई दी। जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।